बाबा साहब का जो लिटरेचर है, बाबा साहब का जो इतिहास है बहुत ही पढ़ने लायक है। और इसको और कहा जाता है कि ये वो शेरनी का दूध है, जितना इसको आप पियोगे उतना आप दहाड़ोगे। उसी तहत ये जो किताबें हैं बाबा साहब का इतिहास है। अंकल जी आपका नाम क्या है? शिवनाथ चौधरी आलम, आलम जबलपुर। आलम जबलपुरी जी, मैं शायर हूँ। शायर है सर, आप यहाँ आए हैं ये तालकोटा इंदौर स्टेडियम के अंदर, आप यहाँ क्यों आए, क्या कारण है आपका आने का? सदियों से जो धुंधली थी वो तस्वीर बदल दी, सदियों से जो धुंधली थी वो तस्वीर बदल दी, हर फिक्र की हर सोच की तासीर बदल दी। अंबेडकर एक ऐसा मसीहा है कि जिसने कुचले हुए इंसानों की तकदीर बदल दी। हमारा दर्द लेकर उसने हमको हर खुशी दे दी, हमारा दर्द लेकर उसने हमको हर खुशी दे दी, जिगर का खून दे डाला, नजर की रोशनी दे दी, तमीज़े बंदगी क्या है और सजदा किसको कहते हैं, हमारे वास्ते बाबा ने सारी जिंदगी दे दी। हो गया आपका सर, बाबा साहब ने सारी जिंदगी दे दी, और बाबा साहब ने वो जिंदगी किसको दी? ये पूरा दलित शोषित सदियों से रौंदा हुआ समाज, सताया हुआ समाज, जिनकी आंखों में इतने आंसू थे कि समंदर साथ समंदर भी कम पड़ गए, उनके आंसू अपनी पलकों पे ले लिए। ऐसी महान हस्ती जो आज लाखों करोड़ों विश्व के तमाम कुचले हुए लोगों के प्रेरणा स्रोत हैं। आलम साहब आप बहुत बुजुर्ग हो चुके हैं, और आप बुजुर्ग क्या कहें कि जो आपने जो शेर सुनाया, एक नौजवान भी शेर नहीं सुना सकते हैं, तो जो बाबा साहब ने अकेले व्यक्ति ने, अकेले महामानव ने करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी, लेकिन आज करोड़ों लोग बाबा साहब को नहीं मान रहे और बाबा साहब के बनाए हुए रास्ते पर नहीं चल रहे, इसका मुख्य कारण क्या है? हसर देखा तो ये लगा दिल को, हसर देखा तो लगा दिल को, ये जो हसर आप बता रहे हैं, हसर देखा तो ये लगा दिल को, रास्ता खा गया है मंजिल को। हसर देखा तो ये लगा दिल को, रास्ता खा गया है मंजिल को, और मुझको मारा मेरी वफाओं ने, किस लिए ढूंढते हो कातिल को। वाँ 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 वाँ।